नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त हम आरजीडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आपको बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गया है। 10 लाख का बॉन्ड उन्होंने भरा है और सीबीआई कोर्ट की तरफ से भी उन्हें जमानत दे दी गई है। और इसे लेकर के आज हम राजद कार्यालय के आपको दृश्य दिखाते हैं। फिलहाल तो राजद कार्यालय में पूरी शांति है, यहाँ फिलहाल तो कोई प्रवक्ता या नेता मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की आज बेल की बात की गई है, आज उन्हें जमानत मिल गई है और जल्द ही वो पटना भी पहुंचने वाले हैं। साथ ही एक और बात जो बहुत ही ध्यान देने वाली है कि इफ्तार पार्टी कहीं ना कहीं लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव के लिए शुभ साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। जब इफ्तार पार्टी का आयोजन आरजेडी कार्यालय आरजेडी की तरफ से किया गया था, उस वक्त लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई थी झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, और आज जदयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और आज लालू प्रसाद यादव बेल बॉन्ड भर चुके हैं और उन्हें बेल मिल गई है, यानी जल्द ही अब वो पटना भी आएंगे। हालाँकि उनके स्वास्थ्य बहुत सही नहीं है, जिस वजह से फ़िलहाल तो वो हॉस्पिटल में है, फ़िलहाल उनका इलाजरत है वो, लेकिन जल्द ही वो पटना आएंगे ऐसी कयासें भी लगाई जा रही हैं। और जगदानंद सिंह ने भी कहा है कि 30 से पहले संभवतः वो पटना आ जाएंगे। हमारे साथ एजाज अहमद मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि लालू प्रसाद यादव को आज बेल मिल गई है, कब तक लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे? देखिए, लालू जी को आज बेल मिला है, बेल तो 22 तारीख को मिला था, आज उन्होंने जो बेल बॉन्ड भरा है उसके बाद ग्रांट हो गया बेल और वो आज एम से फ्री हो गए हैं, अब वो कस्टडी में नहीं है। देखिए, जल्द ही वो पटना आएंगे, क्योंकि लालू जी के इंतज़ार में सारे कार्यकर्ता सारे नेता आंखें बिछाए हुए हैं कि हमारे नेता जब आएँ तो सामाजिक न्याय का जो लड़ाई है, जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है और जिस तरह से नफरत के खिलाफ आज माहौल बना हुआ है, उस मोहब्बत की राजनीति को बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद का होना आवश्यक है। और लालू प्रसाद जी के होने मात्र से ही सांप्रदायिक शक्तियों को पसीना छूट जाता है। इसलिए लालू प्रसाद जी चूँकि भारत के जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके नायक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो पैगाम मोहब्बत का दिया है वो हर घर तक पहुँचा है, और गरीब दुखियारे जो वंचित तबका है, जो दलित तबका है, उसको तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें लालू प्रसाद जी से ही है। अच्छा, तेज प्रताप यादव लगातार ये कहते नज़र आते हैं कि उन पे साजिश रची जा रही है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है पार्टी और उनके परिवार से ही, ये आरोप लगाते हुए कई बार वो नज़र आए हैं और कल भी जिस तरीके से उन्होंने बताया है, तो कौन ऐसे परिवार के लोग हैं जो उनके खिलाफ ही साजिश? देखिए, परिवार के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा है, शायद जो लोग राजनीतिक दल के हैं वो लोग तो साजिश करते ही रहते हैं, क्योंकि हम विपक्ष में सबसे मजबूत हैं और हमारा जो लोगों के बीच जनमत है, लोगों के बीच जो आधार है, उस आधार से लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट है। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग लगातार लालू फोबिया के शिकार हैं, लालू परिवार के फोबिया के शिकार हैं, और वो लोग की राजनीति लालू जी से ही शुरू होती है और तेजस्वी जी पर जाकर के अंत होती है। इस तरह की राजनीति करने से सिर्फ और सिर्फ वो अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात चाहती है, बिहार की जनता महंगाई की बात चाहती है, बिहार की जनता भ्रष्टाचार पर बात चाहती है, उस पर बात भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता करना नहीं चाहते हैं। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया, और जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार है, 70 से अधिक घोटाले 17 वर्षों की सरकार में हुए हैं, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग आरसीपी टैक्स पहुँचाने में असमर्थ हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जेल की सलाखों में भेजा जाता है। अच्छा, इफ्तार पार्टी की अगर हम बात कर लें तो लालू प्रसाद यादव को जब मतलब झारखंड हाईकोर्ट से जब बेल मिली थी तभी राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, आज जदयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और आज उन्होंने बेल बॉन्ड भर दिया है, तो क्या लगता है ये बस एक संयोग है या फिर उन मुसलमानों की एक इबादत है? देखिए, दुआ तो लालू जी को हर गरीबों का लगता है, इसमें मुसलमान हिंदू का मामला नहीं है। लालू जी ने हर तबके हर समाज के जो मजलूम हैं उनके जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है और उनके साथ खड़े रहने का काम किया है। और लालू जी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री थे, जब तक बिहार में
उनके साथ साजिश नहीं हुई थी। आपने देखा होगा बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को पनपने नहीं दिया गया था। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के कुचक्र में फंस गए हैं और इनको तरह तरह का प्रलोभन और तरह तरह का डर दिखा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनके साथ बने रहना चाहती है, सत्ता का मजा लेना चाहती है। जहाँ तक 22 तारीख का मामला है बेल का, देखिए लालू जी के द्वारा हर साल जुमा जो होता है रमज़ान का तीसरा, उस जुमा में आपको दावत इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। ये लगातार 32 वर्षों से चलते रहा है, जब से लालू जी मुख्यमंत्री बने तब से, और ये हमेशा होते रहा है। संयोग था कि उस दिन जुमा के दिन ही सुनवाई थी और उनको बेल मिला, और आज भी संयोग ही है। चूँकि जनता दल यू को कहने का कोई अधिकार नहीं है, जनता दल यू जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो विचारों पर कहीं ना कहीं समझौता कर लिया। अच्छा, ये सत्ता के लिए विचारों से समझौता एक सवाल है कि जिस तरीके से आरजेडी के जब इफ्तार पार्टी हुई थी तो नीतीश कुमार शामिल हुए, आज उनकी तरफ से भी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप राबड़ी देवी सबको बुलाया गया, तो ये नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो आने वाले समय में क्या कुछ? नज़दीकियाँ का मामला नहीं है, मामला है नफरत के खिलाफ एक संदेश देने का, जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का, मोहब्बत की सियासत को मजबूत करने का। आज जिस तरह से मुल्क में हालात बना दिए गए हैं, मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ नफरत का जो माहौल खड़ा कर दिया गया है, उसको रोकने के लिए आपको गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती देना होगा। चूँकि जब मुल्क में मोहब्बत रहेगा तभी मुल्क तरक्की कर सकता है, और मुल्क की मोहब्बत को ख़त्म करने वाली ताकतें लगातार लगी हुई हैं, और जो मोहब्बत को तोड़ने वाली ताकतें हैं उसके खिलाफ मोहब्बत को बढ़ावा देने वाली ताकतों को आगे आना होगा, और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सत्ता और स्वार्थ दो चीज़ों को छोड़ करके ही आप देश और देश हित में काम कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज़ अहमद थे, इन्होंने तमाम तरीके की बातें कहीं, मोहब्बत की बातें इन्होंने कहीं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मोहब्बत है, चाचा भतीजे की जो मोहब्बत है, एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इफ्तार पार्टी के ही, अब कह सकते हैं इफ्तार पार्टी की वजह से ही दोनों की मुलाकातें हुई हैं। 5 साल के बाद नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुँचे थे, और अब जदयू की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें राबड़ी परिवार को भी बुलाया जा रहा है, तो एक बात है। और सियासत में कई सारी कयासें तो ज़रूर लगाई जा रही हैं, लेकिन हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात पर पूर्ण विराम जरूर लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये एक पर्व का महीना है, रमज़ान का पावन महीना है, और इस मौके पर सब एक दूसरे के साथ होते हैं, और सम्मान से अगर बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। इस तरीके की बातें तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में अब बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं रुचिका पटना।